अब आपको किसी भी काम के लिए सरकारी दफातर में भटकने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सोशल वेलफेयर रिलेटेड कोई काम हो, राशन के रिलेटेड। बेशक राशन लेने आपको खुद ही जाना होगा, लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन या कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो सब अब आप घर बैठे ही कर सकते हैं। जरूरत क्या, सिर्फ आपका मोबाइल फोन, जिससे आप ऑनलाइन मोड के जरिए घर बैठे हुए सब कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो या कुछ और। जी हाँ नाजरीन, हुकूमत की तरफ से एक अहम फैसले में जम्मू कश्मीर ने पीर से मुकम्मल तौर पर यानी कल से डिजिटल होने का फैसला किया है। इस बात का फैसला चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने पीर को सेक्रेटरीज की कमेटी COS की मीटिंग में किया, जिसमें तमाम इंतजामी सेक्रेटरियों ने शिरकत की। ताहम मेहता ने कमिश्नर सेक्रेटरी IT को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम सरकारी खदमात आज से सिर्फ ऑनलाइन मोड के जरिए दस्तियाब हो। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि कोई भी सर्विस ऑफलाइन नहीं रहेगी और एप्लीकेंट्स को जरूरत नहीं है कि वो किसी भी काम के लिए सरकारी दफातर में जाए। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम सेक्रेटरियों को हिदायत की कि वो इस बात की निगरानी करें कि खदमात ऑनलाइन बगैर किसी परेशानी के फराहम की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें आवाम को मदद फराहम करने के लिए इंतजामी महकमों के साथ साथ HOD की सतह पर और डिप्टी कमिश्नरों के दफातर में कंट्रोल रूम्स बनाने का मशवरा दिया। मजीद उन्होंने कमिश्नर से मुहिम चलाने को कहा ताकि आवाम में काफी बेदारी पैदा हो। इसके साथ साथ जो तालीमी इदारे हैं और पंचायत सतह पर बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद करे ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें। उन्होंने तमाम अफसरान पर जोर दिया कि वो अपने अपने महकमों की तरफ से फराहम की जाने वाली तमाम खदमात का नोट्स ले और उन अहकामात पर अमल दरामद करें। चीफ सेक्रेटरी को बताया गया कि तमाम महकमों में 400 से ज्यादा खदमात पहले ही ऑनलाइन मोड में पेश की जा चुकी है। ये भी इंकशाफ हुआ कि ये खदमात आम लोगों की आसानी और मुफ्त रसाई के लिए E-UNNAT सर्विस प्लस और डिजिटल लॉकर के डिजिटल पोर्टल पर भी मौजूद है। नाजरीन, इससे पहले ऐसी बहुत सी खबरें आई है, अब देखना ये है कि क्या इस बार हकीकत में इस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाएगा या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ।